प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित बता रहे हैं। एवं तत्पुरुष समास के प्रकार, अब हम आपको बता रहे हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, गंगा जल से गंगा का जल, नील कमल। अब हम आपको तत्पुरुष समास के प्रकार बता रहे हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। इसमें को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। नंबर 2, करण तत्पुरुष से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष, इसमें से का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष। इसमें का, के, की आदि का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। नंबर 6, अधिकरण पुरुष। इसमें में और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर जरूर करें।